मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस टीचर। आज हमारा नया टॉपिक है मोशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गति। आप सबने पहले इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, मोशन के बारे में ये टर्म आपने सुनी होगी, गति क्या होती है। लेकिन फिर भी आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे के मोशन का क्लियर बताऊँगी कि मोशन होता क्या है। वैन एन ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग, जब कोई वस्तु घूमती रहती है तो उसको बोलते हैं मोशन, गति। जब कोई वस्तु चलती रहती है तो उसे कहते हैं हम गति। मोशन को हिंदी में हम गति कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ करो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मूव कर रही हूँ क्लास में, तो मैं किस में हूँ? मोशन में। और अगर मैं एक जगह पे पर्टिकुलर बैठी हुई हूँ तो मैं किस पर हूँ? रेस्ट पर। यानी कि अगर मैं एक जगह मैं घूम रही हूँ तो मैं किस में हूँ? गति में हूँ। और अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मैं किस में हूँ? विराम अवस्था में, या फिर आराम अवस्था में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रेस्ट को, विराम अवस्था में। और हम और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ से खड़े होकर अपने दूसरे रूम पे जाओ, दूसरे आपके घर में जो दूसरा रूम होगा आप वहाँ पर जाइए, तो आप देखिए पहले आप इस वाले रूम में थे, फिर आप कहाँ चले गए? किसी दूसरे रूम में चले गए। तो आपकी पोजिशन क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले आप यहाँ थे और अब कहाँ हो गए? वहाँ आ गए। फिर मैं बोलूँ आप वहाँ से दोबारा उसी रूम में जाओ, तब भी क्या हो गया? आपकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं गति या फिर मोशन। अब इसकी हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास में 3 टाइप्स के हैं। गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला लीनियर मोशन, जिसको हिंदी में हम रेखीय गति बोलते हैं। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। पीरियोडिक मोशन आवर्तित गति। लीनियर मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट मोशन भी बोल सकते हैं। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, मतलब एक रेखा में सीधा। जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो क्या होती है? सीधी खींचती है लाइन। सर्कुलर जो टर्म किससे आई है? सर्कल से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, मतलब वृत्ताकार से। पीरियोडिक मोशन मतलब एक छोटी छोटी अवधि में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवधिक गति। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लीनियर मोशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय गति। लीनियर मोशन किसको बोला जाता है? लीनियर मोशन वो मोशन होता है जो भी कोई एक ऑब्जेक्ट है वो कैसी चले? बिल्कुल एक लाइन में चले। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप एक लाइन बनाकर खड़े हो जाइए, सभी बच्चे उस लाइन में लग जाइए, और आप एक स्ट्रेट लाइन में मेरे साथ चलिए एक रूम से दूसरे रूम में, तो आप किस में जा रहे हो? लीनियर मोशन में। या फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास में ये ट्रेन है, ठीक है, मैंने इस ट्रेन को यहाँ रखा, तो अब मैं देखो एक स्ट्रेट तो कैसे जा रही है? एक लाइन में जा रही है। तो ये कौन सा हो गया? लीनियर मोशन। कि मतलब कोई भी वस्तु कैसे चलती हो? सिर्फ एक लाइन में चलती हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, यानी कि रेखीय गति। एक ये सीधी रेखा में चलती है, तो ये कौन सा है? लीनियर मोशन। अब देखो ये चलती चलती रुक गई, तो इसी गति क्या हो गई? बंद हो गई, मतलब ये मोशन में नहीं है, अभी किस में है? रेस्ट में, यानी कि विराम अवस्था में। और अब मैं इसको दोबारा चलाना शुरू कर देती हूँ तो किस में आ जाती है? ये गति में, यानी कि मोशन में। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन आपने सुना होगा, एक मैरी गो राउंड का एक झूला होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? जैसे अगर मान लो सपोज करो एक मैरी गो राउंड का ये झूला है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, तो ये झूला आपने देखा होगा ये ऐसे चलता है ना, ये राउंड में चलता है। तो मतलब आप किस, आप देखो यहाँ बैठे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो? घूम रहे हो। तो कौन सी में? गोलाकार में, यानी कि वृत्तीय गति में, यानी कि सर्कुलर मोशन। जो भी चीज़ गोल गोल गति करती है, गोल गोल घूमती है, तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय गति। हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, तो ये भी इसका उदाहरण है। अब उसके बाद में आता है हमारा जो थर्ड वन, पीरियोडिक मोशन, जिसको हम आवधिक गति भी होते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि जो भी वस्तु उस टाइम के लिए इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर आएगी, फिर वापस आएगी, जिसमें क्या होता है? रिपीटिशन होता है। जैसे ये देखो आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी के नीचे लगा होता है, जो हमारी वॉल क्लॉक होती है उसमें ऐसे ऐसे करता रहता है ना, जो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरफ जा रहा हो या फिर इधर ही जा रहा हो, बीच में है, पहले इधर गया फिर यहाँ आया, फिर उधर गया फिर यहाँ आया, फिर इधर गया यहाँ आया, मतलब एक ही प्रोसेस क्या कर रहा है? ये रिपीट, जैसे ये कभी इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है इधर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? पीरियोडिक, मतलब एक ही चीज़ को बार बार में रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर आवधिक गति। तो
तो ये थे हमारे आज के 3 टाइप के इमोशन। होप सो आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।